पंजाब में कांग्रेस की नाव डगमगाती हुई नजर आ रही है। लिहाजा कांग्रेस आलाकमान को बचे राज्यों में भी कांग्रेस की गद्दी जाने की फिक्र सताने लगी है। इसी स्थिति को काबू में लाने की कोशिशों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने हाल ही में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस और मौजूदा राजनीति से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर चर्चा हुई है, जिससे ये बात निकलकर सामने आई है कि कमलनाथ को कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। इस बीच चर्चा है कि कांग्रेस संगठन में संभावित बदलाव में कमलनाथ को भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। कमलनाथ ने सोनिया से ऐसे समय मुलाकात की है जब पार्टी की पंजाब इकाई में कलह दूर होती नजर आ रही है। इसके साथ ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों पार्टी आलाकमान के साथ लंबी बैठक की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। करीब डेढ़ घंटे तक चली मुलाकात के बारे में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया।